गोपालगंज जिला के मीरगंज पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब एक झोला छाप डॉक्टर को 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि एक झोला छाप डॉक्टर जब अपना डॉक्टरी में असफल रहा तब उसने हथियारों की तस्करी में उतर गया। बताया जाता है कि मीरगंज अंचल के इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार एवं मीरगंज थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार के द्वारा वाहन जाँच के दरमियान कृष्ण ठाकुर नाम के व्यक्ति को रोका गया। जाँच के बाद इनके पास से 2 देसी कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं हतुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि कृष्ण ठाकुर उर्फ गुट्टुल पिता भुधरी ठाकुर नामक व्यक्ति को जो जागतोली भोरे थाना के रहने वाला है हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया जो हथियारों की तस्करी करता था। 2-3 जगह क्लिनिक खोल जब क्लिनिक नहीं चला तो हथियारों की तस्करी करने लगा। जब सभ्य पीकिट के पास वाहन जाँच चलाया जा रहा था उसी दरमियान ये पकड़ा गया। दिनांक 16/12 को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान सभ्या पिकेट पर पुलिस निरीक्षक मीरगंज अंचल के वीरेंद्र कुमार सिंह, शशि रंजन कुमार सिंह थाना अध्यक्ष मीरगंज, मनोज कुमार सिंह पुअनी मीरगंज और कमेश्वर प्रसाद यादव पुअनी मीरगंज द्वारा वहां सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में कृष्णा ठाकुर गुटुल के पास 2 देसी कट्टा और 5 गोली जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। हाँ, अभी तक इनके बारे में जांच किया गया तो ये पहले झोला छाप डॉक्टर थे विजयपुर में, ये होम्योपैथिक का क्लिनिक खोले, इनका वहाँ क्लिनिक नहीं चला तो फिर भोरे में क्लिनिक खोले, भोरे के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि बथुआ में क्लिनिक कर रहे चला रहे हैं, लेकिन इनका की दवा दुकान या प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं चलने के कारण ये आर्म्स तस्करी में जुट चुके हैं और सप्लाई कहाँ सप्लाई किए हुए हैं इसका मतलब पूछताछ की जा रही है तथा छापा मार की जा रही है।